प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के तीन ऐसे प्रकार जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जो समीकरण बदल देंगे और जो सारे माहौल को बदल देंगे। ये तीन तरीके अगर प्रार्थना के हमने यूज़ कर लिए तो सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तरीके की प्रार्थनाएं परमेश्वर के कान तक पहुंच जाती हैं, परमेश्वर उनको सुनता है, उनका जवाब तुरंत देता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, एक एक करके मैं आपको बताऊँगा तीनों पॉइंट। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स, में आज का सवाल भी प्रार्थना से रिलेटेड है कि लोगों ने परमेश्वर से कब प्रार्थना करनी शुरू की थी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम पढ़ें तो कहाँ पर लिखा है कि लोगों ने कब परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की थी। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और किसी चर्च की खोज में हैं, चाहते हैं कि बाइबल आधारित चर्च में आप जाना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं। मैं आपको ऐसे ही किसी चर्च में पहुंचाऊंगा जहां पर सच्चाई का प्रचार होता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य ही मेरी तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हरेक को आशीषित कर, हरेक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। विनती करता हूँ प्रभु जी, हरेक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशे, कर्जे और बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी। हरेक को चंगाई दे प्रभु जी, खुशहाली दे, आनंद दे, आशीष दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। तीन प्रकार की प्रार्थनाएं जो जीवन को बदल देंगी, जो परिस्थितियों को बदल देंगी, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, हमारी सारी उन बातों को बदल देंगी जिनसे हम उलझे हुए हैं, परेशान हैं। और ये तीन तरीके क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। प्रार्थनाएं सब करते हैं, प्रार्थनाएं सब करते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते कि वो सुन लेगा या नहीं सुनेगा। परमेश्वर तो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वचन हमें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करता है। प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर से बातचीत करने का एक नियम है, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ ही है परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर से बातें करना प्रार्थना का अर्थ है। तो मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर से बातचीत करना, इसे ही कहते हैं प्रार्थना करना। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। तो ये बातचीत होती है, प्रार्थना का अर्थ ही बातचीत है। क्योंकि बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उसका अर्थ नहीं जानते, क्योंकि वो बाइबल को शारीरिक रूप से पढ़ते हैं। आत्मिक रीति से अगर हम पढ़ें तो इसका यही अर्थ निकलता है कि प्रार्थना का अर्थ ही है परमेश्वर से बातचीत करना। तो तीन प्रकार की प्रार्थना है। पहली प्रार्थना है निजी प्रार्थना, यानी कि मैं अकेला प्रार्थना करूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। फिर दूसरी प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना, हम पूरे परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर से। और एक प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना, जो हम चर्च में या सेमिनार में, मीटिंग्स में हम करते हैं, कॉटेज मीटिंग में जो प्रार्थनाएँ होती है वो प्रार्थना। ये तीन प्रकार की प्रार्थना है, ये तीन प्रकार हैं प्रार्थना के जिसमें हमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है तीनों प्रार्थनाएं,
ये नहीं कि निजी को छोड़ दिया बाकी दो कर ली, या पारिवारिक को छोड़ दिया बाकी दो कर ली, या सामूहिक को कर लिया छोड़ दिया बाकी सब कर ली, ऐसा नहीं। ये तीनों प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निजी प्रार्थना जो मेरे और आपके लिए है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हम जब देखते हैं मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में हमें समझाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, कोठरी मतलब कमरे में जा, रूम में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल का मतलब है प्रार्थना का जवाब देना। तो गुप्त में प्रार्थना जब हम करते हैं, अकेले में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सबके सामने नहीं बोल सकते, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम ना तो पारिवारिक लोगों के साथ बोल सकते हैं ना सामूहिक लोगों के साथ। वो एक अकेले में जो हम बात करते हैं वो हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, और हम अपने उन गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर के और मेरे और आपके। मैं जो गुनाह करता हूँ, मैं जो गलतियाँ करता हूँ, मैं जो अपराध करता हूँ, वो मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है। इसीलिए ये निजी जो प्रार्थना है वो बहुत ज़रूरी है। कमरे में जाएं, घुटने के बल बैठ जाएं, हाथों को ऊपर करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखिए प्रार्थना का एक विषय मैं बताता हूँ आपको, भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 12वां पद यह लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये छोटी सी प्रार्थना है एक, अपने विषय में जब हम निजी प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे विषय भी होते हैं, बहुत सारी बातें हमारी अपनी भी होती हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उन्हें निकालें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन कमियों को निकालने में मेरी मदद सहायता कर। बहुत से लोगों को नशे की आदत होती है, बहुत से लोगों को गालियाँ देने की आदत होती है, बहुत से लोगों को लड़ाई झगड़े करने की आदत होती है, और बहुत से लोग चुगली या बुराई करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बहुत से लोग व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, घूमना फिरना, इधर उधर घूमना, परमेश्वर को समय ना देना, और बहुत से लोगों के अंदर व्यभिचार की आत्मा होती है, बहुत से लोग क्रोध से भरे होते हैं, व्यर्थ का क्रोध, बहुत से लोग घमंडी होते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी। और अगर हम इनको छोड़ना चाहते हैं तो ये बात हमें परमेश्वर के सामने रखनी होगी निजी प्रार्थना में, घुटने के बल बैठकर ये बातें परमेश्वर के सामने रखें, और हो सके तो इसे कागज़ पर लिख लें और एक एक करके प्रभु के सामने रखें, प्रभु मुझ में ये कमी है, मुझसे इस कमी को निकाल दें। सच जानिए परमेश्वर इस प्रार्थना को बड़ी गहराई से सुनेगा और आपकी मदद करेगा कि ये कमियाँ हमारे जीवन से दूर हो जाए। ये होती है निजी प्रार्थना। यीशु मसीह ने कहा कि कमरा बंद करके जाओ और गुप्त में प्रार्थना करके उससे मांगो और वो सुनेगा और उसका प्रतिफल ज़रूर देगा। यह है निजी प्रार्थना। फिर एक दूसरी प्रार्थना होती है पारिवारिक प्रार्थना, एक परिवार की प्रार्थना जो होती है। देखिए जो निजी प्रार्थना उसका कोई भी समय नहीं, आप कभी भी उस प्रार्थना को कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो प्रार्थना कर सकते हैं, या जब आप बोझ अपने अंदर जान रहे हों कि मुझे अब प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही पशोपेश में पड़ गया हूँ, परेशान में हूँ, परेशानी में हूँ, तो आपको उसी समय प्रार्थना में आ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि है पारिवारिक प्रार्थना, इसका समय है सुबह और शाम, क्योंकि सुबह सब लोग इकट्ठे होते हैं, शाम को भी सब लोग इकट्ठे होते हैं, सुबह काम पर चले जाते हैं या बिजनेस में या और भी बहुत सारे काम होते हैं उसमें व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सुबह जब हम परिवार के साथ बैठते हैं, जब सुबह हम परिवार को इकट्ठा करके प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 18:20 में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जाए इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जब हम इकट्ठे होते हैं परिवार में तो यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसका मतलब हमारे परिवार में यीशु मसीह की एंट्री हो चुकी है। तो इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है परिवार का। और हम देखते हैं 1 तिमुथियस 5 अध्याय और उसके 8 पद में संत पौलुस ने क्या कहा है, लिखा पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया। अपने घराने की चिंता करेंगे
तो हम ज़रूर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ज़रूर अपने परिवार को परमेश्वर के निकट लेकर आएंगे और उनसे कहेंगे कि आइए हम प्रार्थना करें। अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि सबको इकट्ठा करके प्रभु के निकट लेकर आएँ और उससे प्रार्थना करें। यहोशू ने क्या कहा, जब हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय के 15 पद में, वो कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करता रहूँगा। घराने समेत परिवार के साथ, आइए देखते हैं उस पद को, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूँगा। यहोवा की सेवा नित्य करता, घराने समेत एक परिवार को इकट्ठा करके जब हम चलते हैं, परिवार आत्मकृति से ग्रोथ करता है, परिवार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, कर्जे, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, नशा, बेरोजगारी और सारी समस्याएं हल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है। एक रेगुलरिटी से जब हम प्रार्थना करेंगे, ये नहीं कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, फिर छोड़ दिया, नहीं, निरंतरता होनी चाहिए हमारी प्रार्थनाओं में। परिवार को लेकर बैठे, परिवार के जो मुखिया हैं वो बच्चों को डांट कर बैठा कर प्रार्थना में बैठे, सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करें, फिर एक दो भजन गाएं, फिर वचन पढ़ें और उसके बाद सबके लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए करें, देश के लिए करें, देश के बड़े अहदे वाले लोगों के लिए करें, अपने चर्च के लिए करें, अपने पास्टर के लिए करें। यह है पारिवारिक प्रार्थना का नियम। तो ये प्रार्थना क्या करती है, हमें आत्मिक उन्नति देती है, हमारे घर की समस्याएं भी दूर होती हैं, हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। इतने फायदे हैं इस पारिवारिक प्रार्थना के। तो यहोशू ने तो ये कहा ही, इसी तरह से नया नियम में भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस, वो भी अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। प्रेरित काम 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वहाँ लिखा नहीं है कि वो घराने को लेकर प्रार्थना करता था, ऐसा नहीं लिखा, इसलिए मैं वहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना लिखा है कि वो घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यानी कि उसने अपने परिवार को ऐसा बना दिया था कि वो परमेश्वर से डरें और वो प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ये हो गई दूसरी प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना एक झुंड की प्रार्थना, एक कबीले की या एक पूरे समुदाय की प्रार्थना या एक चर्च सदस्यों की प्रार्थना या मीटिंग में आए हुए हर एक लोगों की प्रार्थना। उस प्रार्थना का असर देखिए क्या होता है। हम देखते हैं जब प्रेरित के काम 12 अध्याय और उसके 5, 6 और 7 पद में, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर हम आज के ज़माने में देखें, अगर कोई किसी केस में फंस जाता तो लोग क्या करते हैं, बड़ी सोर्स ढूंढते, कोई जज हमारा जानकार मिल जाए, कोई पुलिस वाला मिल जाए, कोई नेता मिल जाए, ऐसे लोगों को ढूंढते ताकि हम अपने बंदे को निकाल सकें। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। लिखा है कि सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। देखिए इस सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव क्या हुआ, 7 पद में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस के पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आज भी बहुत से लोग ये तो कैद में है पतरस, लेकिन आज भी हमारे अजीज, हमारे जानकार बहुत सी ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं जिनसे उनको निकालने की ज़रूरत है। बहुत से लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, ऐसे लोग हैं जो उनका जीवन दयनीय हो गया है, उनके जीवन से हम भी परेशान हो गए हैं और प्रार्थना करते करते थक गए हैं अकेले। लेकिन ज़रूरी है कि हम कलीसिया को बताएं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप हैं, उस पर उस विषय को डालें कि मेरे अजीज के लिए प्रार्थना करें कि वो शराब का आदी होकर बहुत गंदी जिंदगी जी रहा है, मेरे घर परिवार के लिए प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े प्रतिदिन होते रहते हैं, मन मुटाव रहता है, आपस में मारकाट रहती है और बहुत बुरा हाल है मेरे घर का। ये लिख दीजिए और जब पूरी जमात, जब सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर कलीसिया क्या कर रही है, पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। और क्या हुआ,
परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसकी जंजीरें खुल गईं। आज बहुत से लोग बहुत सी समस्याओं की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो उन्हें उनको उनको आज़ाद करने के लिए, उनको पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए हमें सामूहिक प्रार्थना की ज़रूरत है। यह सामूहिक प्रार्थना का असर, जब कलीसिया ने प्रार्थना की, वहाँ पर कोई ना तो पुलिस वाला गया, ना कोई जज गया, ना कोई नेता गया, ना नेता का कोई छोटा अर्दली गया, कोई भी वहाँ पर नहीं गया। वहाँ पर गया तो परमेश्वर का एक दूत गया, जिसने पतरस की जंजीरों को तोड़ डाला। दोस्तों, आज हम भी अपने अजीजों की उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं जिसमें वो जकड़े हुए हैं, जो संसारिक हो गए हैं, जो परमेश्वर के निकट नहीं आते, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे देख देख कर हमें कोफ्त होती है, हमें लगता है कि इनके जीवन का अंत क्या होगा। उनके लिए एक सामूहिक प्रार्थना की ज़रूरत है, और वो प्रार्थना भी रेगुलर हो, तब परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और उस अजीज के जीवन को पतरस की तरह बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखेंगे लूका 22 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो प्रार्थना करो, एक सामूहिक प्रार्थना का निमंत्रण है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। सबसे कहा है कि सब प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हम जब प्रार्थना करेंगे निजी, जब हम प्रार्थना करेंगे पारिवारिक, जब हम प्रार्थना करेंगे सामूहिक, कोई समस्या कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु हमारे सम्मुख होगा, हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे और उस बातचीत का असर ये होगा कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चिंताएं दूर हो जाएंगी, रोग दूर हो जाएंगे। बड़े बड़े रोग से ग्रस्त हैं आज लोग, तो परमेश्वर उन सब चीज़ों को दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। तो दोस्तों, तीन प्रकार की प्रार्थना है। सबसे पहली क्या है, निजी प्रार्थना जो हम अकेले कर सकते हैं, दूसरी पारिवारिक प्रार्थना जो हम परिवार के साथ करते हैं, तीसरी है सामूहिक प्रार्थना जो हम पूरे चर्च के साथ या पूरे समूह के साथ करते हैं, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें तुरंत देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने परमेश्वर से कब प्रार्थना करनी शुरू की, कहाँ पर लिखा है ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आप जानते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और चाहते हैं कि एक बाइबल आधारित चर्च आपको मिले, तो मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आपको ऐसे ही चर्च में पहुँचाने का मैं वायदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड।